बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आप सब दोस्तों को आदाब अर्ज करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम कहानी की तरफ जाएं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें एक किरदार ऐसा भी है जो लाखों दिलों की धड़कन रहा है। कहानी का उन्वान है रावलपिंडी के गेस्ट हाउस की एक शाम। तो नाजरीन, 1991 में जब बेनजीर साहबा की हुकूमत थी तो उन दिनों मुझे जंग रावलपिंडी में चीफ न्यूज एडिटर के तौर पर खिदमात अंजाम देने का भी मौका मिला। मेरी खुशकिस्मती थी कि जंग अखबार और रावलपिंडी की जो जिला कचहरी है वो बहुत करीब थे। जिला कचहरी के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक गेस्ट हाउस था जो मुझे रहाइश के लिए मिल गया। वो गेस्ट हाउस इतना वसी अरीज था कि दोस्तों ने वहां माफलें लगानी शुरू कर दी। ना सिर्फ लाहौर के, रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के बहुत सारे दोस्त रोजाना वहां आते, बल्कि लाहौर से भी 2, 4, 3, 5 मेहमान जो है वो मेरे गेस्ट हाउस में ठहरे होते उस जमाने में। और गेस्ट हाउस में एक किचन भी था और किचन जरूरत की तमाम चीजों से भरा रहता था। तो जब किसी का भी कुछ भी दिल चाहता तो वो बना लिया जाता, पका लिया जाता, चाय के दौर चलते, कॉफी के दौर चलते, सियासत पे बातें होती। इस गेस्ट हाउस में जो मेहमान आया करते थे, मुस्तकिल मेहमान जो थे, वैसे तो बेशुमार लोग आते थे लेकिन जो मुस्तकिल मेहमान थे उनमें आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब थे, एक सरकारी अदारे के सरबरा और सीनियर ब्यूरोक्रेट चौधरी सरवर साहब वहाँ आया करते थे। चौधरी सरवर साहब के साथ वहाँ पर जो मुकामी सियासतदान है वो भी बसा औकात आ जाते। लाहौर से मसूद बारी साहब, बारी लीग साहब मरहूम के साहबजादे जो अब खुद भी मरहूम हो चुके हैं वो आ जाते। पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर राणा शमीम अहमद खान भी वहाँ आते। एजाज विकी रजाइयाँ बड़ी मशहूर हुई थी, वो विकी रजाइयों वाले जो एजाज साहब थे वो मेरे बहुत करीबी दोस्तों में शामिल थे, वो भी अक्सर लाहौर से आ जाते। एक फिल्म थी जुल्म दा बदला और बेशुमार दूसरी फिल्मों के लिखारी हफीज अहमद साहब भी कभी कभार आ जाते। इस तरह दोस्तों का एक टोला, एक मजमा, एक हजूम मेरे गेस्ट हाउस में मौजूद रहता। जब मैं रात को ड्यूटी से वापस आता तो ये लोग मुझसे पहले ही गेस्ट हाउस में मौजूद होते और अक्सर सियासी मौजूदात पे गुफ्तगू रहती। तो सियासत चूंकि एक दिलचस्पी है, ब्यूरोक्रेट्स की भी, सियासतदानों की भी, सहाफ़ियों की भी, बेशुमार सहाफ़ी भी वहाँ आया करते थे। और इन मेहमानों में कभी कभी आने वाला एक मेहमान जिसको आप सब जानते हैं वो थी अदाकारा मुसर्रत शाहीन। मुसर्रत शाहीन ने उन दिनों अपनी एक सियासी पार्टी बना ली थी। सियासी पार्टी जो थी उनकी, उसने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। मुसर्रत शाहीन मुसावात पार्टी के नाम से उन्होंने जमात बनाई थी
और वो मौलाना फजलुर रहमान की इंतखाबात में शिकस्त का बाइस भी बनी थी और इस पे बड़े कार्टून जो है वो अखबारात में लगे थे। एक कार्टून तो मुझे याद है जिसमें मुसर्रत शाहीन जो है वो तांगा चला रही है और मौलाना फजलुर रहमान तांगे की पिछली निशिस्त पे बैठे हुए ऐसे लग रहा है कि अभी नीचे गिर जाएंगे। तो बहरहाल एक बहुत जबरदस्त जमाना था जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो हम बात करेंगे आज सिर्फ एक वाकया की, एक शाम के वाकया की, कि एक शाम उस गेस्ट हाउस में क्या हुआ। मैं ऑफिस से ड्यूटी खत्म करके जब गेस्ट हाउस वापस पहुंचा तो वहां बड़े जोर शोर से सियासी बहस जारी थी और ये बेनजीर हुकूमत के खत्म होने से कोई एक दो तीन महीने पहले का वाकया है जो मैं आपको सुना रहा हूं। मैं भी आया, पता चला कि दोस्तों ने खाना भी तैयार किया हुआ है। हम खाने से पहले मैंने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अदाकारा मुसर्रत शाहीन मेन कमरे में एंटर होती हैं। उस दिन उनके साथ एक 12-13 साल का लड़का भी था मुसर्रत शाहीन के साथ। मुसर्रत शाहीन ने उस लड़के का नाम रैम्बो बताया और कहा कि इस बच्चे को मैंने अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखा हुआ है। उम्र उसकी 14 या 15 साल से ज्यादा नहीं होगी उस बच्चे की। बातें हो रही थी, मुसर्रत शाहीन को जो निशिस्त मिली, कुर्सी मिली, वो चौधरी सरवर साहब जो इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट थे उनके साथ वाली कुर्सी पे वो बैठ गई। चौधरी सरवर साहब की मुसर्रत शाहीन से ये वहां पहली मुलाकात थी। हालांकि चौधरी सरवर ज्यादा आने वालों में जो अक्सर लोग आते थे मेरे पास उन दोस्तों में शामिल थे, लेकिन उनकी कभी मुसर्रत शाहीन से पहले मुलाकात नहीं थी। और बातों बातों से पता चला कि वो मुसर्रत शाहीन के बहुत आशिक हैं। सब लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक वहां का माहौल बदला। लोगों ने देखा कि चौधरी सरवर मुसर्रत शाहीन के कदमों में बैठ जाते हैं। उनके कदमों में बैठ के पहले उनके कदम दबाना शुरू करते हैं, उनके पांव दबाना शुरू करते हैं मुसर्रत शाहीन के। सब लोग अपनी अपनी भूल कर सारी गुफ्तगू गारत हो गई। सबका ध्यान चौधरी सरवर की तरफ था। चौधरी सरवर मुसर्रत शाहीन की मोहब्बत में इतने महव और गुम थे कि पता नहीं क्या हुआ कि पांव दबाते दबाते उन्होंने मुसर्रत शाहीन के पांव चाटना शुरू कर दिए। ये एक बहुत जबरदस्त मोड़ था उस शाम की जो गैदरिंग थी। सब लोग सशस्त्र थे, एक दूसरे को देख रहे थे। मुसर्रत शाहीन ने जब ये मंजर देखा कि चौधरी सरवर साहब उनके पांव चाटने लगे हैं और सब लोग उनकी तरफ मतवज्जो हैं, तो मुसर्रत शाहीन एकदम कुर्सी से उठी और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी एक मीटिंग है, मैंने वहां जरूरी जाना है वरना मैं कुछ देर और बैठती। फिर मुसर्रत शाहीन ने चौधरी सरवर साहब को मुखातब किया जो उनके कदमों में बैठे हुए थे। कहने लगी, चौधरी साहब, ये लड़का रैम्बो जो मेरे साथ आया है इसको मैं यहीं छोड़े जा रही हूं, ये आपको मायूस नहीं करेगा। मुसर्रत शाहीन की इस बात पर एक इज्तमाई कहका गूंजा और ये कहका इतना बुलंद था और इतनी देर तक चला कि मैं आपको बता नहीं सकता।
चौधरी सरवर साहब सुना है आजकल बीमार हैं, तो ये कहानी मैं उनको भी भेजूंगा, क्योंकि वो बीमार जरूर हैं लेकिन उनका आशिकाना मजाज आज भी उसी तरह जवान है। थैंक यू वेरी मच।